कहते हैं कि ईमानदार बनने का साहस हर किसी में नहीं होता। कुछ इसी तरह ईमानदारी की मिसाल पेश की है झांसी के एक व्यक्ति ने। दरअसल झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा द्वारा पुलिस कार्यालय परिसर में बने तंबू में जन सुनवाई की जा रही थी। इसी दौरान जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रताप वर्मा आए और उन्होंने बताया कि जब वह शाम को मेहंदी बाग में समय करीब 8 बजे अपने घर के पास टहल रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें रुपयों व जरूरी कागजात से भरा एक पर्स मिला, जिसे वह उसके वास्तविक स्वामी को लौटाना चाहते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी ईमानदारी की सराहना करते हुए प्रशंसा की गई तथा पर्स को खुलवाया गया, जिसमें लगभग 10,000 रुपये व 2 ATM कार्ड एवं अन्य जरूरी कागजात मिले हैं। पर्स में प्राप्त कागजात के आधार पर पर्स के वास्तविक स्वामी की जानकारी कराई जा रही है। उन्होंने एक पर्स दिया है, क्या है पूरा? आज हमारे ऑफिस में सीनियर अधिवक्ता शिव प्रताप वर्मा जी ऑफिस आए और आकर उन्होंने बताया कि कल रात्रि में लगभग 8 बजे के आसपास वो मेहंदी बाग में टहल रहे थे। उस दौरान उन्हें एक पर्स प्राप्त हुआ, जिस पर्स को उन्होंने खोला नहीं और यहाँ पे हमारे सबके सामने उस पर्स को खोला गया, जिसमें लगभग 10,000 रुपये, 2 ATM कार्ड और अन्य कागजात हैं। तो निश्चित रूप से ये एक ईमानदारी की मिसाल है और माननीय अधिवक्ता के द्वारा जो मिसाल पेश की गई है उसको हम नज़ीर मानते हुए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास यहाँ पे माननीय अधिवक्ता के द्वारा किया गया, तो निश्चित रूप से एक अनूठा उदाहरण है। उसके लिए हमारी तरफ से उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, साथ ही साथ उनके संबंधित जो भी जिसका ये पर्स है उनको फ़ोन किया गया है, तो वो जब आएंगे तो माननीय अधिवक्ता से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। निश्चित रूप से ये एक प्रेरणास्पद घटना है जो पूरी झांसी के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। पर्स में लगभग 10,000 रुपये के आसपास पैसे हैं, इसके अतिरिक्त 2 ATM कार्ड हैं, अन्य कागजात हैं। तो निश्चित रूप से जो ईमानदारी है उसकी मिसाल आज हमारे अधिवक्ता भाई ने प्रस्तुत करी है, उसके लिए हम उनकी भूरी प्रशंसा करते हैं। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B-Pharma, M-Pharma, BSc, B-Tech, M-Tech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi.